हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं सिद्धार्थ टेक। तो दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हो और आपसे अगर कुछ फर्जीवाड़ा हुआ होगा, यानी कि अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो गए, तो आपको 24 घंटे के भीतर आपको कंप्लेंट करनी है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना। अगर आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी होती है या अनजाने में आप कोई लिंक्स क्लिक कर देते हो तो आपके अकाउंट से बहुत सारे पैसे डेबिट हो जाते हैं, तो आप कंप्लेंट करने की सोचते हो, आफ्टर बैंकिंग आज के बाद अगर आपको ये कुछ प्रॉब्लम आया तो ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप टोल फ्री पे अप्रोच करिएगा, जो कि नंबर है दोस्तों हेल्पलाइन नंबर 1800 4x1 09। इस पे आप हेल्पलाइन नंबर पे आपकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हो। तुरंत ही आपको अगर पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो आप इस नंबर पे डायल करके आप हेल्प ले सकते हो। दूसरा नंबर है दोस्तों 1800 1234, इस पे भी आप कंप्लेंट अपनी जो है वो डाल सकते हो, रिक्वेस्ट पुटअप कर सकते हो। तो दूसरा जो जरिया है दोस्तों, ईमेल का जरिया, ये सिर्फ SBI के ग्राहकों के लिए ये दोस्तों। अगर दूसरा ईमेल अगर आप करेंगे तो उसमें अनऑथराइज ट्रांजेक्शन @sbi.co.in, जो कि आप देख सकते हो, इस मेल आईडी पे आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। जैसे ही आपको फ्रॉड का पता चला, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप इस मेल पे भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों पोर्टल, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो पोर्टल पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो जो आपका चांसेस है वो बढ़ जाएगा, अगर 24 आवर्स के बाद अगर आप इन पोर्टल पे या मेल पे एंड IVR कॉल पे अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो आपका पैसा जो है 50% या 60% आने का चांसेस है। अगर आप 24 आवर्स के बाद भी अगर अप्रोच करेंगे तो देखा जाएगा कैसा आपका आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उस जैसा आपको मिल सकते हैं आपके जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसके पैसे। तो तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो पोर्टल https://crcf.sbi.co.in पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, यानी पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। और चौथा जो दोस्तों है वो cybercrime.gov.in, जो कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे भी आप उनके पोर्टल पे आप अपनी जो फर्जीवाड़ा हुआ है आपके साथ उसमें भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो इस पे ये सभी प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तो मे बी आपका जो अमाउंट है रिफंडेबल हो सकता है। तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो इसके लिए ये तीनों चारों स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और आपका जो पैसा गया है वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप जल्द से जल्द अगर इन नंबर पे, ईमेल पे या पोर्टल पे अगर कंप्लेंट करेंगे तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।